गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। पिछली वीडियो में हमने फूड प्रोडक्शन सब्जेक्ट के अंदर चैप्टर वन में कुजीन ऑफ मध्य प्रदेश, कुजीन ऑफ वेस्ट बंगाल एंड कुजीन ऑफ उड़ीसा कवर किए थे। इस वीडियो में हम आगे कवर करेंगे कुजीन ऑफ बिहार। फेस्टिवल्स। बिहार इज़ होम टू मैनी पिलग्रिमेज साइट्स सच एज बोधगया, मिथिला एंड वैशाली। बिहार इन सभी साइट्स के लिए होम मतलब घर है। ए मेजर फेस्टिवल्स इज छठ पूजा। बिहार के अंदर जो सबसे बड़ा त्यौहार मनाया जाता है वो छठ पूजा है। इंग्रेडिएंट्स। रिवर फिश इन नॉर्दर्न एरियाज। बिहार के नॉर्थ रीजन में यानी कि उत्तरी क्षेत्र में नदियों वाली फिश मछली पाई जाती है। मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, कर्ड, बटर मिल्क एट्सेट्रा। दूध और दूध से बनी चीज़ें, दही, लस्सी आदि भी पाई जाती है। नेक्स्ट इज़ स्टेपल फूड। व्हीट, बाजरा, राइस आर द स्टेपल डाइट। बिहार के अंदर गेहूं, बाजरा और चावल मुख्य रूप से खाए जाते हैं। डिशेज। लिट्टी चोखा। लिट्टीज आर राउंड स्पाइसी बेक्ड बॉल्स ऑफ व्हीट फ्लोर एंड सत्तू विद ए क्रिस्प आउटर टेक्सचर। लिट्टी जो है वो आपका गोल और स्पाइसी मतलब मसालेदार, बेक्ड मतलब सेका हुआ गेहूं के आटे का बना हुआ छोटे छोटे बॉल्स होते हैं जो कि बाहर से क्रिस्प टेक्सचर के होते हैं। इट इज़ ऑफन सर्व्ड विद चोखा। इसको अक्सर चोखा के साथ सर्व किया जाता है। विच इज़ ए वेजिटेबल डिश मेड विद बॉइल्ड और रोस्टेड मैश्ड स्पाइसी मिक्सचर ऑफ पोटैटोज एंड ब्रिंजल। चोखा जो है ये आपका वेजिटेबल डिश है जिसको बॉइल्ड या रोस्टेड पोटैटोज और ब्रिंजल से बनाया जाता है। नेक्स्ट इज खिचड़ी। मिक्स ऑफ राइस, दाल एंड सेवरल वेजिटेबल्स स्टीम्ड टुगेदर टू गिव ए डिस्टिंक्ट टेस्ट ऑफ डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स फाइंड इन वन डिश। खिचड़ी जो है दाल और चावल का मिक्सचर होता है। इसके अलावा इसके अंदर कई तरह की सब्जियां भी डालते हैं। इसके बाद इसको स्टीम करके एक बड़ा ही अद्भुत टेस्ट यानी कि स्वाद दिया जाता है। सत्तू। इंग्रेडिएंट्स। सत्तू इज प्रिपेयर्ड बाय ड्राई रोस्टिंग मेनली बारले और बंगाल ग्राम। सत्तू को बंगाल ग्राम यानी चने दाल को रोस्ट करके, बारले यानी जौ को रोस्ट करके बनाया जाता है। दे आर देन मेड इनटू ए फ्लोर आफ्टर रोस्टिंग। इसके बाद इसका आटा बनाया जाता है। इन बिहार सत्तू इज सर्व्ड एज ए सेवरी ड्रिंक और इवन फिल्ड इन ए पराठा। बिहार के अंदर सत्तू को एज ए ड्रिंक गर्मी के मौसम में ड्रिंक बना के भी पिया जाता है और पराठे के अंदर फिल करके भी यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट इज खजा। दिस इज़ ए क्रिस्पी लेयर्ड डेजर्ट मेड फ्रॉम व्हीट फ्लोर, शुगर, मावा और खोया एंड डीप फ्राइड इन ऑयल। खजा जो है वो आपका डेजर्ट एक तरह की मिठाई है जिसको गेहूं के आटे, चीनी और खोया से ऑयल के अंदर डीप फ्राई करके बनाया जाता है। नेक्स्ट इज दाल पीठा। दिस डिश इज़ प्रिपेयर्ड बाय राइस फ्लोर डो। दाल पीठा को चावल के आटे से बनाया जाता है। दैट इज़ स्टफ्ड विद लेंटिल पेस्ट और इसके अंदर दाल का पेस्ट स्टफ किया जाता है। द डम्पलिंग इज़ देन स्टीम्ड और फ्राइड। इसके बाद इस पकौड़ी को स्टीम या फ्राई किया जाता है। नेक्स्ट इज लाई। लाइटली फ्राइड सीरियल सच एज पफ्ड राइस इज कोटेड विद जैगरी सिरप एंड शेप्ड इनटू बॉल्स। लाई आपने देखे होंगे चावल के जो पफ्ड राइस मतलब
जिसको खील भी बोलते हैं, उसको गुड़ के सिरप में डाल के उसकी छोटी छोटी बॉल्स बनाई जाती हैं, उसी को लाई बोलते हैं। नेक्स्ट इज़ कुजीन ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स फेस्टिवल्स। बिहू इज ए पॉपुलर हार्वेस्ट फेस्टिवल एंड डांस फॉर्म। बिहू के अंदर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के अंदर बिहू एक बहुत ही फेमस फेस्टिवल है और इसका डांस काफ़ी पॉपुलर है। मैनी अदर फेस्टिवल्स आर सेलिब्रेटेड। इसके अलावा और बहुत से त्यौहार भी मनाए जाते हैं। इंग्रेडिएंट्स: कैश क्रॉप, टीक, कॉटन एंड जूट। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में जो कैश क्रॉप होती है, नकदी फसलें, उसके अंदर टीक आता है, कॉटन यानी रुई जिसको कपास बोलते हैं, एंड जूट यानी कि सन। नेक्स्ट इज असम फेमस फॉर टी प्लांटेशन। असम स्टेट अपने चाय की खेती के लिए बहुत फेमस है। फिश: मोस्ट फिश इज़ फ्रॉम रिवर ब्रह्मपुत्र एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। ज़्यादातर जो मछलियां हैं वो ब्रह्मपुत्र और उसकी ट्रिब्यूटरीज यानी सहायक नदियों से पाई जाती हैं। इट कैन बी कुक्ड फ्रेश और प्रिजर्व्ड एज फर्मेंटेड फिश। इसको फ्रेश कुक भी कर सकते हैं या फर्मेंट करके पका सकते हैं। नेक्स्ट इज बम्बू शूट्स। द पल्प इज यूज्ड एज वेजिटेबल एंड मे आल्सो बी स्टफ्ड विद मीट एंड कुक्ड। बम्बू शूट्स के अंदर पल्प को एज ए वेजिटेबल यूज किया जाता है और इसको मीट के अंदर स्टफ करके पकाया जाता है। बीटल नट पॉपुलरली एक्सपोर्टेड। बीटल नट आपका बीटल मीन्स पान, पान के अंदर जो सुपारी डालते हैं, दैट इज़ बीटल नट। स्वीट पोटैटोज एन इम्पोर्टेंट रूट वेजिटेबल कुक्ड इन वेरियस वेज। ये आपका स्वीट पोटैटोज शकरकंदी जो होती है उसको कई तरह से पकाया जाता है। नेक्स्ट इज़ राइस। ए लार्ज वैरायटी ऑफ राइस इज़ ग्रोन इन दीज स्टेट्स। इन राज्यों के अंदर बहुत सारी वैरायटी उगाई जाती है राइस की। ए वैरायटी ऑफ राइस कॉल्ड बोका सोल। राइस की एक वैरायटी होती है बोका सोल, इज़ कंज्यूम्ड आफ्टर सोकिंग इन वाटर बट नॉट कुकिंग। इसको पानी में भिगोने के बाद खाया जाता है, ना कि पका के। इट इज़ ट्रेडिशनली ईटन विद कर्ड। इसको परंपरागत रूप से दही के साथ खाया जाता है। नेक्स्ट इज़ फ्रूट। फ्रूट्स के अंदर ऑरेंज, पाइनएप्पल, पपाया, एप्पल, जैक फ्रूट, यानी कटहल, लीचीज़, बनाना एट्सेट्रा, ये सभी फ्रूट्स आपके नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में पाए जाते हैं। असम इज़ पॉपुलर वर्ल्ड ओवर फॉर क्वालिटी टी प्लांटेशन। और असम पूरी दुनिया में अपने क्वालिटी चाय के लिए मशहूर है। नेक्स्ट इज स्टेपल फूड। राइस इज़ द मेजर स्टेपल डाइट, हाउ एवर मेज एंड मिलेट्स आर आल्सो ईटन। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के अंदर राइस सबसे मुख्य भोजन है, लेकिन इसके अलावा मक्का और जौ भी खाए जाते हैं, मक्का और बाजरा। डिशेस: इन्फ्लुएंस ऑफ द ओरिएंट बेल्ट एंड चाइनीज़ कुजीन। डिशेस में इसके जो चाइनीज़ कुजीन है उसका असर देखा जाता है। खार असम की डिश है। द मेन इंग्रेडिएंट्स ऑफ दिस यूनिक डिश आर रो पपाया एंड पल्सिस। कच्चा पपीता और दालें खार की मेन इंग्रेडिएंट है। पोर्क इज एडेड दैट हैज ए क्रिस्प आउटर एंड सॉफ्ट इनसाइड। खार के अंदर पोर्क यूज किया जाता है जो कि अंदर से सॉफ्ट होता है और बाहर से क्रिस्प होता है। बैम्बू शूट्स आर आल्सो एडेड। बैम्बू शूट्स भी इसमें डाले जाते हैं। इट इज़ ईटन विद स्टीम्ड राइस। और खार को स्टीम्ड राइस के साथ खाया जाता है। नेक्स्ट इज पीठा। पीठा भी आपका असम की डिश है। इट इज़ ए स्नैक दैट इज़ ईटन स्वीट फॉर ब्रेकफास्ट व्हाइल साल्टेड वंस आर कोटेड इन लाइट बटर एंड टी। पीठा आपका एक तरह का स्नैक है जो कि मीठा होता है और ब्रेकफास्ट में खाया जाता है। और जो नमकीन पीठा होता है उसको बटर और चाय के साथ कोट करके बनाया जाता है। राइस मिक्स्ड विद लाइट स्पाइसेस एंड साल्ट और शुगर इज मोल्डेड इनटू थिन ट्यूब्स एंड स्टफ्ड इनसाइड ए होलो
स्टेम ऑफ बैम्बू। राइस को हल्के मसालों के साथ नमक या चीनी के साथ मिक्स करके बनाया जाता है, फिर उसको स्टफ़ करते हैं बैम्बू की स्टेम के अंदर। द पीठा इज़ देन फ्राइड रोस्टेड और बारबेक्यूड इनसाइड द होलो बैम्बू स्टेम एंड दिस गिव्स द पीठा एन एग्जॉटिक फ्लेवर। इसके बाद इस पीठा को फ्राई करते हैं या रोस्ट करते हैं या बारबेक्यू करके बनाते हैं, जिससे कि इसको बहुत ही अलग तरह का बहुत ही अच्छा फ्लेवर मिलता है। नेक्स्ट इज सान पियो। सान पियो आपका मिजोरम का डिश है। इट इज़ ए ट्रेडिशनली स्नैक विच इज़ प्रिपेयर्ड विद राइस पोरिज। पोरिज मीन्स दलिया। विच इज़ सर्व्ड विद फ्रेशली पेस्टेड कोरिएंडर लीव्स, स्प्रिंग अनियन, क्रश्ड ब्लैक पेपर, फाइनली पाउडर्ड राइस एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट द जेस्टी फिश सॉस। ये एक स्नैक होता है जो कि फ़िश सॉस के साथ सर्व किया जाता है। इसके अंदर पेस्टेड कोरिएंडर लीव्स यानी धनिया के पत्ते का पेस्ट और स्प्रिंग अनियन यूज़ करते हैं, क्रश्ड किया हुआ ब्लैक पेपर यूज़ करते हैं और फाइनली पाउडर्ड राइस यूज़ करते हैं। नेक्स्ट इज वेस्ट जोन। दिस जोन हैज़ द स्टेट्स ऑफ राजस्थान, गुजरात, गोवा एंड महाराष्ट्र। वेस्ट जोन के अंदर आपका राजस्थान, गुजरात, गोवा और महाराष्ट्र आते हैं। दिस आल्सो इंक्लूड्स द यूनियन टेरिटरीज ऑफ दमन एंड दीव एंड दादर एंड नगर हवेली। वेस्ट जोन के अंदर आपके कुछ यूनियन टेरिटरी यानी केंद्र शासित प्रदेश भी आते हैं, दमन, दीव, दादर और नगर हवेली। द थार डेजर्ट एंड रन ऑफ कच्छ आर द डेजर्ट एरियाज इन राजस्थान एंड गुजरात। थार जो है आपका रेगिस्तान राजस्थान के अंदर पड़ता है और रन ऑफ कच्छ जो रेगिस्तान है ये आपका गुजरात में पड़ता है। दीज एरियाज हैव ए हॉट एंड ड्राई वेदर। इन क्षेत्रों का जो क्लाइमेट है, मौसम, वो आपका गर्म और शुष्क होता है। मोस्ट अदर रीजन्स फॉल इन द पेनिनसुलर प्लेट्यू। और जो ज़्यादातर जो इसका क्षेत्र है वो आपका पेनिनसुलर प्लेट्यू। पेनिनसुलर मीन्स जो जगह आपकी तीन साइड से पानी से घिरी होती है उसको पेनिनसुलर बोलते हैं, और प्लेट्यू मीन्स पठार। द वेस्टर्न घाट्स अलॉन्ग द कोस्ट ऑफ सदर्न गुजरात, महाराष्ट्र एंड गोवा मेक द रीजन ह्यूमिड। इसका जो पश्चिमी घाट है वो आपका ह्यूमिड मिलता है, ह्यूमिड मतलब नमी वाला। द वेजिटेरियन वेरीज फ्रॉम ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट अलॉन्ग द कोंकण कोस्ट टू थॉर्नी बुशेस। थॉर्नी बुशेस मतलब कंटीली झाड़ियाँ एंड श्रब्स। श्रब्स का मतलब भी झाड़ी होता है। इन नॉर्दर्न गुजरात नर्मदा, तापी एंड गोदावरी रिवर्स फ्लो थ्रू द लैंड। और जो वेस्ट जोन है इसके अंदर जो स्टेट्स है उन स्टेट्स में ये तीन नदियाँ बहती हैं, नर्मदा, तापी और गोदावरी। नेक्स्ट इज कुजीन ऑफ राजस्थान। मेजर फेस्टिवल्स, ऑल मेजर फेस्टिवल्स आर सेलिब्रेटेड। सभी बड़े त्यौहार जैसे कि होली, दिवाली मनाए जाते हैं। इंग्रेडिएंट्स में मिलेट यानी बाजरा। दिस क्रॉप कैन ग्रो इन सैंडी सॉइल हैंस पॉपुलर इन राजस्थान। बाजरे को रेतीली जगह पे उगाया जा सकता है इसलिए ये राजस्थान के अंदर बहुत मशहूर है। क्लस्टर बीन्स गवार की फली। गवार की फली को इंग्लिश में क्लस्टर बीन्स बोलते हैं। ए काइंड ऑफ बीन्स लोकली ग्रोन एंड कुक्ड इन ए ड्राई और सेमी ड्राई फॉर्म। ये वहाँ का लोकल एक तरह का बीन यानी कि फली है जो कि सूखी और कम सूखी फॉर्म में उगाई जाती है। केयर ए काइंड ऑफ वाइल्ड पेपर बेरी। केयर आपका एक बेर के जैसा होता है, जंगली बेर। सांगरी ए काइंड ऑफ डेजर्ट बीन कुक्ड विद केयर। सांगरी आपका एक तरह का बीन मतलब फली होती है जो कि केयर के साथ पकाई जाती है। कचरी ए बेरी लाइक फ्रूट विच इज़ ड्राइड एंड इज यूज टू एड सोर फ्लेवर टू द फूड एंड एक्ट एज मीट टेंडराइजर। कचरी आपका बेरी यानी बेर के जैसा होता है जो कि सुखा के और खट्टा फ्लेवर देने के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट इज मंगोड़ी ड्राइड डम्पलिंग्स मेड फ्रॉम ए मिक्स ऑफ दाल एंड स्पाइसेस सन ड्राइड एंड स्टोर्ड। ये आपके मंगोड़ी मतलब छोटी छोटी जो हल्की सख्त होती है मंगोड़ी जो दाल की बनाई होती है, इनको धूप में सुखा के स्टोर किया जाता है
और बाद में दाल के साथ मिक्स करके पकाया जाता है। नेक्स्ट इज़ पापड़, लेंटिल्स मिक्स्ड विद स्पाइसेस मेड इनटू ए डो एंड रोल्ड इनटू थिन शीट्स, दे आर देन सन ड्राइड एंड स्टोर्ड। पापड़ तो सभी लोग जानते हैं, दाल के बनाए जाते हैं, हल्की पतली शीट बना के उसको बाद इसको सुखाया जाता है। नेक्स्ट इज स्टेपल फूड, मेजरली व्हीट एंड बाजरा बेस्ड ब्रेड्स आर पॉपुलर। गेहूं और बाजरा की रोटियां राजस्थान के अंदर बहुत मशहूर हैं। डिशेज में लाल मांस सबसे फर्स्ट आता है। द रेड मीट इज़ मेड यूजिंग लैम्ब कर्ड अनियंस एंड गार्लिक फ्लेवर्ड विद ए टिपिकल चिल्ली कर्ड मथानिया चिल्ली फ्रॉम राजस्थान। लाल मांस बहुत ही फेमस डिश है जो कि लैम्ब की बनाई जाती है। इसके अंदर कर्ड यानी दही, प्याज, लहसुन ये सब यूज किया जाता है और एक बहुत ही ख़ास तरह की जो मिर्च है मथानिया मिर्च वो यूज की जाती है। नेक्स्ट इज सफ़ेद मांस, मीट विद वाइट कर्ड बेस्ड ग्रेवी थिकेंड विद अनियंस। सफ़ेद मांस भी आपका नॉन वेज डिश है जो कि दही की बनाई जाती है और इसके अंदर इसको थिक करने के लिए, इसकी ग्रेवी को थिक करने के लिए अनियंस यूज किया जाता है। नेक्स्ट इज सूले, सूले इज़ एन एपेटाइज़र वेयर फिश और थिन स्लाइसेस ऑफ मीट इज़ मैरिनेटेड। सूले आपका एक एपेटाइज़र होता है। एपेटाइज़र आई होप सभी को पता होगा, एपेटाइज़र इज ए स्नैक दैट इंक्रीज आवर एपेटाइट, जो हमारी भूख को बढ़ाते हैं, जैसे कि सलाद वो आपका एपेटाइज़र है। एंड कुक्ड ऑन ओपन चारकोल ग्रिल, और इसको ओपन चारकोल ग्रिल पे यानी कि कोयले की आग पे पकाया जाता है, जिसको सिगरी बोलते हैं। नेक्स्ट इज केर सांगरी, केर सांगरी आपका ड्राई प्रिपरेशन है जो कि अचार के जैसा होता है। नेक्स्ट इज दाल बाटी चूरमा, द दाल इज पंचमेल दाल ए मिक्स ऑफ फाइव टाइप्स ऑफ लेंटिल्स कुक्ड टुगेदर एंड टेम्पर्ड विद देसी घी। जो दाल बाटी चूरमा है इसके अंदर पांच दालों का मिक्स करके पंचमेल दाल बनाई जाती है, जिसको देसी घी के अंदर तड़का लगा के पकाते हैं। द बाटीज आर डम्पलिंग्स ऑफ होल व्हीट फ्लोर बेक्ड ऑन ड्राई काउ डंग केक्स। जो बाटी होती है वो आपका पकौड़ी टाइप व्हीट के, गेहूं के आटे की बनी होती है और जिनको गाय के उपले पर सेका जाता है। दे आर देन डिप्ड इन हॉट घी, इसके बाद इनको गर्म घी के अंदर डुबोया जाता है। चूरमा इज ए स्वीट प्रिपरेशन मेड बाय फ्राइंग होल व्हीट फ्लोर एंड देसी घी। चूरमा आपका एक स्वीट प्रिपरेशन यानी मीठा होता है जो कि देसी घी में आटे को डाल के फ्राई करके बनाया जाता है। नेक्स्ट इज गट्टे, गट्टे आर मेड बाय नीडिंग ग्राम फ्लोर विद कर्ड। गट्टे को दही के अंदर, ग्राम फ्लोर मतलब बेसन, दही के अंदर बेसन डाल के बनाया जाता है। इसके अलावा इसमें मस्टर्ड ऑयल, सरसों का तेल, ड्राई फेनोग्रीक लीव्स, सूखी मेथी की पत्तियां, टर्मरिक, हल्दी एंड साल्ट इनटू ए डो और नमक डाल के पकाया जाता है। नेक्स्ट इज द डो इज प्रिपेयर्ड शेप्ड इनटू लॉन्ग सिलेंडर्स एंड पोस्ट इन साल्टेड वाटर। इसके बाद इसके सिलेंड्रिकल शेप में इसको बना के पोच किया जाता है। पोच मींस पकाने की एक विधि है। द गट्टाज आर देन कट इनटू वन इंच लॉन्ग पीसीज। इसके बाद गट्टे को एक इंच के टुकड़ों में काटा जाता है एंड कुक्ड इन ए करी, फिर इसको करी के अंदर पकाया जाता है। नेक्स्ट इज पापड़ की सब्ज़ी, करी मेड विथ पोटैटोज एंड फ्राइड पापड्स। पापड़ की सब्ज़ी एक करी होती है जिसके अंदर आलू और फ्राइड पापड़ डाले जाते हैं। नेक्स्ट इज़ नमकीन, राजस्थान बीकानेर इज़ पॉपुलर फॉर वेरियस टाइप्स ऑफ सेवरीज कॉल्ड नमकीन। सेवरीज को नमकीन बोलते हैं, ये बहुत फेमस है बीकानेरी नमकीन। दैट फॉर्म ए पॉपुलर टी टाइम स्नैक्स, जो कि चाय के साथ बहुत ही पॉपुलरली खाया जाता है। द नमकीन्स आर मेड अप ऑफ वैरायटी ऑफ टोस्टेड फ्राइड और बेक्ड इंग्रेडिएंट्स सच एज दाल पोटैटोज बेसन एट्सेट्रा। नमकीन को टोस्ट करके, फ्राइड करके या बेक करके बनाया जाता है और इसके अंदर इंग्रेडिएंट जो डाले जाते हैं वो दाल, आलू या बेसन यूज़ करते हैं। नेक्स्ट इज मिर्च के पकौड़े,
A variety of large green chili is stuffed with spicy mix, coated with batter and deep fried. मिर्च के पकोड़े के अंदर बड़ी बड़ी मिर्चें यूज की जाती हैं, उनके अंदर स्टफ़ किया जाता है मसाला और फिर बैटर के अंदर डुबो के डीप फ्राई किया जाता है। आज की वीडियो में यहीं तक। उम्मीद करता हूँ आपको सभी कुछ समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो आप मुझे कॉल करके या कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।